नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं दाऊद, ये प्यारी बाय प्लान। दोस्तों आज क्या बना दी बाबू? मालपुआ। ओ हो 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 भैया, तो इसमें क्या ऐड होगा? चीनी दोस्तों? तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है मालपुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं, कच्चे दूध जैसे अभी भी आया है दूध हमारा, कच्चे दूध में से आटे, पहले आटा लिया जाता है, जितना आपको पुआ खाना उतनी क्वांटिटी में आटा लें, और फिर उसको कच्चे दूध से साने, तब तक फेटते हैं जब कि जो ये फुटके फुटके आपको दिख रहे हैं ये मुलायम ना हो जाए एकदम, तब है ना एकदम चिकना डो, मतलब डो कह रहा हूँ, एकदम चिकना जैसे एक तरह से पेस्ट जैसे तैयार हो जाए। और उसमें आपको फिर बाद में चीनी ऐड करना है, इलायची पाउडर, अभी मैं चीनी ऐड कर दिया है इसमें, और चीनी ऐड करके इसमें आप इसमें ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर सब कुछ डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा फेटेंगे उतना अच्छा फ्लफी, और इसमें कोई बेकिंग सोडा कुछ नहीं पड़ता है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, ये देसी स्टाइल से बनता है एकदम। इसका नाम ही मालपुआ, माल से बना हुआ पुआ। देख सकते हैं क्या हो गया? आवाज हल्का कर दिया मैंने, इसको कॉपीराइट आ जाएगा ना। हाँ क्या कहा, सिम कर, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, सच बता। इलायची इलायची कहाँ, इलायची पाउडर इलायची 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 हाँ हाँ बीस ले लिया नहीं भी तो बंद कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं इलायची पाउडर इसमें, इलायची को क्रश करके डाल दिया गया है पुए में, पुए के जो पेस्ट है उसमें डाल दिया गया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब यहाँ से आपको बता सकते, नहीं बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। यानी आपने पहले पुआ खाया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा ना? हाँ बहुत अच्छा लगता है इसको भी। हाँ।
हुआ उसके साथ क्या खाओगी? हुआ हुआ क्या खाओगी बता? नहीं हुआ उसके साथ क्या? कुछ हुआ बस अचार और कोई सब्जी नहीं? सब्जी नहीं बाबू, मीठा मीठा नहीं, कॉफी वो मीठा नहीं होगा। वैसे खाओ वैसे वैसे खाओ वैसे खाओ दूध 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 कुएं के सामने आप दूध खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अच्छा बच्चा दूध वाले भी दूध पी सकते हैं।
छत कर दिया साफ, बहुत गंदा छत 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 बहुत गंदा था ना, बहुत गंदा बहुत गंदा, सब झाड़ साफ, सीढ़ी सीढ़ी सब झाड़ा पोछा मार सीढ़ी वो नहीं, हम हमेशा पूरा छत हम सीढ़ी हम अभी गाली गाली मर जाए अभी कहाँ थे मच्छर से होता है ये क्यों बता ये काटा खून भैया वही खून काट आपको कोई खून वैसे देख सकते हैं हमारी मैडम जो है पुए का घोल जो है कढ़ाई में डाल रही है। तीन पुआ हो चुका है, जा चुका है, बढ़िया बढ़िया पुआ दो निकल के आ चुका है। तो भाई अच्छा लगता है दोस्तों, देख सकते हैं इतना पुआ हो चुका है और इतना पुआ एक तो पुआ अंदर जा रहा है, बस अब खत्म, दी एंड हो गया। पुआ पर जो पेस्ट हुई थी, अब शिवानी को भूख लग रहा होगा, जल्दी 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 खाने को मिले, क्यों हैं जल्दी जल्दी खाने को ना, जल्दी जल्दी खाओ, अच्छा ना कितना मुलायम लगता ना, खाओ जानती है ये जगह ना, कहीं जैसे ये जगह ट्रेन में जाओ घूमने हम लोग कहीं वो रखो बाबू, खाना भी रखो, ये रखो अचार और कोई भी अचार रखो, हाँ देखो भूख नहीं भूख जाती हूँ, बिस्कुट नमकीन बेकार है, ये अच्छा अभी खराब नहीं होगा, दो दिन तीन दिन देखो खराब नहीं होगा, हाँ कभी नहीं। तो दोस्तों ट्रेन में सफर करते समय भी पुआ खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है और सबसे बड़ी बात है इसका कोई नुकसान नहीं है कि खराब भी नहीं होता है। तेज करो बाबू थोड़ा तेज करो, अच्छा तो पुआ बन के आ चुका है, हम लोग छत पे बैठ के खा रहे हैं। हाँ बाबू टेस्ट करके बताओ कैसा कैसा बना है, कैसा मस्त है, तो सच्चा पुआ तो बाबू है, पुआ जो है दोस्तों अचार के साथ मिर्ची के अचार बहुत अच्छा लगता है, आप तो सब्जी हो तो और मज़ा आता है। ये मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है ये वायु सेना का सुखोई विमान है, उसकी आवाज़ है दोस्तों, सुबह ऐसे यहाँ ट्रेनिंग सेशन होता है एयरपोर्ट में, आवाज़ आती है। गाजर हलवा भी है, गाजर हलवा
आलू सब्जी और अच्छा आलू सब्जी ये मीठा ठीक है डालो ना ठीक है अच्छा लग रहा है मस्त एकदम हुआ दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाय बाय।